आपने अभी स्वामी जी से जो प्रश्न किया कि जाति हटा दो तब आरक्षण हटेगा, आपका कहना यह है कि पहले जातिवाद समाप्त की जाए। अगर मान लो कल की बात की आपने जो बात की, हाँ मैं उसी पे कह रहा हूँ, अगर मान लो कल कोई ऐसी व्यवस्था धर्म बेस पे आती है तो फिर आप कहोगे धर्म छोड़ दो, आज हमसे कह रहे हो ना कि जाति छोड़ दो। नहीं नहीं, क्यों नहीं हो सकता? आज इस देश में जाति से ज्यादा धर्म के नाम पर राजनीति होती है, और अगर धर्म के नाम पर राजनीति होती है कल को कोई हमसे ये कहेगा कि धर्म छोड़ दो तो क्या हम अपना धर्म छोड़ देंगे क्या? शांत भाई। स्वामी जी, जातिगत विरोधी आरक्षण के खिलाफ आज एक आंदोलन में आप शिरकत कर रहे हैं, क्या मकसद है इस आरक्षण का, थोड़ा बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, निश्चित रूप से जातिगत आरक्षण जो है आज देश के लिए नासूर हो गया है, देश के प्रगति के लिए बाधक हो गया है। देश के संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं होगा कि जातिगत आरक्षण का इस प्रकार से दुरुपयोग होगा। आप जरा देखो, जो देश हमारे संविधान निर्माता थे जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समेत राजेंद्र प्रसाद थे और तमाम लोग थे, उन लोगों ने एक कैसे जो गरीबी रेखा से नीचे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए 10 वर्षों के लिए आरक्षण किया। लेकिन आप आज़ादी के इतने 70 सालों के बाद भी आज जातिगत आरक्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप ये देखो, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और फिर भी जिस जातियों को आरक्षण दिया गया उसमें भी आज भी गरीब हैं, वो जैसे कि तैसे हैं, और उसमें जो नेता है जो क्रिमी ले रहे हो वो बस मजे मार रहे हैं, वो आरक्षण अपना लाभ लेते जा रहे हैं, और पूरा देश इससे प्रभावित हो रहा है। और एक तरफ अनारक्षित लोग हैं, उसमें गरीब से गरीब लोग हैं, उनको कोई सुविधाएँ नहीं मिलती है। तो निश्चित रूप से ये आर्थिक आधार पर जो गरीब है, चाहे वो दलित समाज का वो है, क्षत्रिय है, वैश्य है, दलित है, चाहे और भी किसी वर्ग के हो, उस सबको आर्थिक आधार पर आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, और ये मंच कर रहा है, और इसी के लिए हमारे जितने भी ये टीम हैं, और अमरजीत जी हैं, हमारे यूएस राणा जी हैं, हमारे तमाम लोग जो है वो किए, इन लोगों ने मिल करके इस मंच को तैयार किया, और इसके लिए पूरे देश में एक आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार किया जा रहा है कि इसके माध्यम से हम पूरे देश में एक जन जागरण करें और ये न्याय की बात करें, हम गरीबों की बात करें, तो इसलिए यहाँ गरीबों की बात हो रही है। स्वामी जी, जो आरक्षण की रूपरेखा तैयार की गई थी वो जातिगत आधार पर तैयार की गई थी, जातिवाद को, लेकिन आपने जो क्रीमी लेयर की बात करके आपने क्रीमी लेयर की जो बात की है और आरक्षण खत्म करने की बात की गई है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है जब तक जातिवाद देश में रहेगा उसके बावजूद आरक्षण खत्म कर दिया जाए? नहीं नहीं, क्यों नहीं होगा? आप देखो ऐसा है कि वोट में बड़ी पावर है, हम सब देश के नागरिक हैं, और हमारे लिए संविधान बना है, संविधान के लिए हम नहीं बने हैं, तो इस बात को समझना होगा। आप ये देखो, 3% में धक्का लगा तो मोदी सरकार ने 10% आरक्षण तुरंत दे दिया सामान्य वर्ग को, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है, उसमें हर वर्ग शामिल है, ईसाई भी है। तो अगर जो हम लोग जागरूक हो जाएं, और यहाँ तक कि इसकी मांग दलित समाज भी करे, क्योंकि दलित तो उनको आरक्षण मिला, उसी SC ST उसी तरह गरीब पड़ा हुआ है, वो कौन ले रहा है, उसके नेता उसका फ़ायदा ले रहे हैं, तो इसलिए उन पे कोई नेता दूसरा उभर नहीं पा रहा है। तो इसलिए इसमें हर वर्ग को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि सभी लोग आए और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करो, ये किसी के विरोध में नहीं है बल्कि सबके गरीबों के हक की लड़ाई है। इससे पहले आपको नहीं लगता कि सुना गया कि आपने जैसा कहा अपने वक्तव्य में कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए आरक्षण की समाप्ति होना अत्यंत आवश्यक है, आप किन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं? जगह जगह जो है अभी भी जातिवाद जो है चलता है और उसके बावजूद भी आरक्षण को समाप्त किया जाए, चूंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने गरीब शोषित वंचित वर्गों की ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आरक्षण की बात कही थी, तो क्या लगता है आपको कि जातिवाद खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल खत्म। देखो, अगर जो कहीं भी इस प्रकार से वो भेदभाव करने वाला तो एक मानसिकता होती है, वो अगर जो SC ST का SDM में होकर SDM एक SC ST होता है और एक सामान्य सवर्ण जिसे कहते हैं उसके एक रिटायर कर्नल पे SC ST लगा दिया, तो ये विचारधारा है, शोषण किसी का भी नहीं होना चाहिए, और यही संविधान निर्माताओं ने यही सोचा कि किसी की शोषण न हो जाति के नाम पे। आज तो जाति के नाम पे उल्टा शोषण और वर्ग का हो रहा है, कहीं ब्राह्मण का हो रहा है, कोई क्षत्रिय का हो रहा है, कहीं वैश्य का हो रहा है, तो इसलिए किसी का, हम दलित का भी नहीं चाहते, किसी का ना हो, SC ST का नहीं चाहते हो, तो हम तो न्याय की बात करते हैं, हम न्याय सम्मत बात कर रहे हैं, हम गरीबों की बात। हाँ, देश की संसद में महिला आरक्षण का बिल रखा हुआ है, वो काफी दिन से इंतजार देख रहा है, तो क्या महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, नारी सम्मान हमारे तो हिंदू धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में स्पष्ट कहा गया है, यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होते हैं वहाँ देवी देवता निवास करते हैं। तो नारी का तो ये संसद का मामला है, सबसे पहले मैं आर्थिक आधार पर बैठा हूँ, अभी आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो, और आर्थिक आधार एक गरीबों की बात है, अब वो महिला पुरुष में गरीबी अमीरी की बात नहीं, वो संसद की बात
बात है और राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक भाषाएं बोलते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ गरीबों के हक की बात करने आए हैं। वो गरीब चाहे वो दलित समाज SC ST का हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो वैसे हो या देश का कोई भी वर्ग का गरीब हो, हम तो और अन्य वर्गों के भी गरीबों की बात करते हैं, तो हर गरीब के साथ न्याय हो, उसको संरक्षण मिले, उसको आरक्षण मिले, क्योंकि इस देश में रहने वाला हर एक गरीब का उस यहाँ के संसाधनों पे उसका अधिकार है। मनमोहन स्वामी जी, आपने अभी वर्ण व्यवस्था की बात करी कि हमारा देश में वर्ण व्यवस्था जातिवादी, क्या वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट करते हैं? नहीं, वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ थी, मैं ये कह रहा हूँ, गीता जी में स्पष्ट कहा है कि कहा जाति नहीं है हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था। हाँ, कर्म के आधार पे तो है ना, कर्म के आधार पे संविधान को नहीं मानते? नहीं नहीं, संविधान नहीं, संविधान भी हमारे धर्म को मानता है। जब धर्म को नहीं मानता तो गीता जी और रामायण जी का संविधान में उन्हें उल्लेख नहीं होता। और आपको बताना चाहता हूँ कि देश की सीमा पे जो लड़ रहे हैं वहाँ पे जाति नहीं देखता, वो सब क्षत्रिय हैं। तो जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। तो जो ज्ञान देने का काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल, जो ज्ञान देने का काम करता है, जो पढ़ाता है, जो वो करता है, वो ब्राह्मण है। तो हमारे यहाँ तो कर्मों के आधार पे है, यही तो बात है। आज गरीब गरीब है, चाहे किसी भी वो का हो, उसको उसके साथ न्याय होना चाहिए। उसके साथ जो जाति गत आरक्षण जो है वो जातिगत आधार पे दिया हुआ है, कोई गरीबी उन्मूलन हटाने का कोई योजना नहीं है सर। ये तो एक जो ऊंच नीच की जो भावना है उसको लेकर बनाया गया है सर। सुनो, ये कोई जाति हटाने की योजना नहीं है। इसी चीज का उत्तर नहीं, नहीं, अब देखिए यहाँ पे ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब जातिवाद रहा ही नहीं इस देश में। जातिवाद तो अब आरक्षण के द्वारा पैदा हो रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। हाँ सुनिए, जातिवाद नहीं है, नहीं ना, है ना। अब क्या है कि 20 बच्चे बैठते हैं, जाति के आधार पर जातिगत आरक्षण दिया गया है। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होता या जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती, तब तक जातिगत आरक्षण कैसे खत्म? जब तक जातिगत आरक्षण नहीं समाप्त होगी, जातिवाद अब समाप्त नहीं होगी। पहले जाति आई ना, पहले आई ना, पहले जाति आई, फिर जातिगत आरक्षण। नहीं नहीं नहीं, मेरा अगला प्रश्न है आपसे, एक एक करके पूछ रहा हूँ। मैं पहले आई और उसके बाद जो है, नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन अब आजादी के 70 साल बाद जाति अब नहीं रह जाएगी। अगर जो आप समान आप आर्थिक आधार पे करिए तो गरीबों की बात करिए ना, जाति पे कब तक लटके रहेंगे? जिस नहीं, आप हमें बताइए, ये बताइए, नहीं नहीं, जिन जातियों को मिला है आरक्षण 70 साल में, क्या उन सभी में सब गरीबी खत्म हो गई? आप हमें उत्तर दीजिए। अब ये बताइए स्वामी जी, कोई गरीबी निर्मूलन का तो कार्यक्रम नहीं है? नहीं होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? स्वामी जी मैं तथ्यों पे बात करूंगा। आपने उदाहरण दिया SDM और कर्नल वाले मामले का कि एक SDM होकर वो SC ST एक्ट लगा देता है। वही दूसरा मामला एक बदायूं से आता है जहां एक न्यायाधीश जो कि महिला न्यायाधीश थी SC कैटेगरी की, वहीं पर एक उनका जो प्योन था वो अपरकाश था, लेकिन उन्हें अपने थूक कर पानी पिलाता था। तो जातिवाद या कुंठित मानसिकता तो आज नहीं, 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 देखो, देखो देखो उसको उसको आप जाति और उसको सामान्य वर्ग से नहीं जोड़ सकते, वो एक मानसिक विकलांगता है, उसकी इलाज कराओ ना। और कोर्ट में तो जो डाटा पेश किया गया है SC ST उसके खिलाफ, उसमें कोई भी ऐसा अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है पूरे प्रदेश से निकलकर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जिसमें FR की लगाई गई हो SC ST में। तो इसका मतलब SC ST का दुरुपयोग हुआ ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, SC ST का तो बहुत दुरुपयोग होता है। विरोध में कार्य करते रह रहे हैं, कई सालों से कार्य करते रह रहे हैं और इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने काफी मेहनत की, उनको कहना चाहिए? उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ये अच्छी काम कर रहे हैं और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिल्कुल जातिगत जो आरक्षण है खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण और संरक्षण दोनों मिलना चाहिए, लेकिन आर्थिक आधार पे जो गरीब है उसका अधिकार है इस साधनों पे। तो इसलिए जो US राणा जी कर रहे हैं, मैं उनको बधाई दे रहा हूँ, अमरजीत जी को बधाई दे रहा हूँ और तमाम यहाँ के टीम को बधाई दूंगा और सबको बधाई दे रहा हूँ। सर, US राणा जी, मेरा प्रश्न आपसे है, आरक्षण के विरोध में आप इसको आरक्षण, मैं थोड़ा परिदृश्य बिल्कुल क्लियर कर दूँ। स्वामी जी जितना भी आप समझा रहे हैं, ये लीड थोड़ा इधर प्रश्न इधर उधर हो रहे हैं और उत्तर उनके सही जा रहे हैं। जैसा भाई साहब ने प्रश्न किया मैं उसका भी उत्तर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ कि हम जो आज विरोध के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ये धारा 334 का विरोध है, 334 आर्टिकल 334, और आर्टिकल 334 कहता है कि किसी भी प्रकार से इसकी जो अवधि है 25 जनवरी 2020 अर्थात 60 ईयर्स, इससे एक्सेस नहीं कर सकता, संविधान कहता है। आप संविधान की बात करते हो, अगर संविधान मानने को तैयार तो होइए, आप तो संविधान भी नहीं मानते हो। संविधान न मान करके आप इसे दोबारा से बढ़ा दलित एक्ट पर संविधान माना गया, कोर्ट माना गया क्या? मैं उदाहरण देता हूँ आपको, क्या अगर कोर्ट की बात मानी जाती, कोर्ट क्या कहता है? बिना जांच के गिरफ्तारी ना हो, लेकिन आपने क्या किया, एक्ट बना दिया।
आपने जातिवाद का हवाला दिया गया ना, जातिवाद का जिसमें नहीं नहीं इसका मतलब आप इसका मतलब एक सेकंड, अभी भी जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं रहा इसके बाद और जो है सामाजिक न्याय पर आधारित पहला, तो इस विषय में आप मैं इसके स्पष्ट दे देता हूँ, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि आरक्षण जातिगत उन्मूलक व्यवस्था नहीं है। ये किसने कहा? हमने तो अभी कहा ही नहीं कि जातिगत आरक्षण जो है उन्मूलक व्यवस्था है गरीबी से जोड़कर देखिए। एक सेकंड पूरा हो जाए, जब तक जाति एक या तो या भाई साहब बताइए कि आपको नहीं लगता आपको संविधान आपको संविधानिक उत्तर मिला? एक मिनट, अभियान चलाना चाहिए आपको लगता है सर? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो चलाते हैं जी, जातिवाद के खिलाफ तो बिल्कुल अभियान चलने चाहिए। जातिवाद तो बिल्कुल एक नासूर है, ये तो वास्तव में खतरनाक है जो समाज को। जातिवाद से आगे बढ़कर आर्टिकल 15 में ब्राह्मणों की जाति नहीं, अब तो गोत्र तक बात आ गई है। नहीं, नहीं, तो आप इसके बारे में क्या मानते हैं कि क्या ब्राह्मणों में ही जातिवाद है या ब्राह्मण ही जातिवाद फैलाते हैं, क्षत्रिय ही जातिवाद फैलाते हैं या दलितों में भी जातिवाद? अच्छा मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आपने अभी स्वामी जी से जो प्रश्न किया कि जाति हटा दो तब आरक्षण हटेगा, आपका कहना यह कि पहले जातिवाद समाप्त की जाए। अगर मान लो कल की बात की आपने जो बात हाँ ना हाँ मैं उसी पर कह रहा हूँ, अगर मान लो कल कोई ऐसी व्यवस्था धर्म बेस पे आती है तो फिर आप कहोगे धर्म छोड़ दो, फिर आप कहोगे धर्म छोड़ दो। आज हमसे कह रहे हो ना कि जाति छोड़ दो, नहीं नहीं क्यों नहीं हो सकता? आज इस देश में जाति से ज्यादा धर्म के नाम पर राजनीति होती है, और अगर धर्म के नाम पर राजनीति होती है कल को कोई हमसे ये कहेगा कि धर्म छोड़ दो तो क्या हम अपना धर्म छोड़ देंगे क्या? आरक्षण जो है वो रिप्रेजेंटेशन का कहा गया, प्रतिनिधित्व कहा गया, प्रतिनिधित्व तो सभी लोगों का होना चाहिए, जिनको हजारों साल से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था उनके प्रतिनिधित्व के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई। हां हां बिल्कुल, प्रतिनिधित्व सबका होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 70 बिल्कुल होना चाहिए। हां देखिए आरक्षण लेंगे, पैदा हुए तो आरक्षण, एजुकेशन में प्रमोशन में आरक्षण, मर रहे तब भी आरक्षण। देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल हर वर्ग के जो प्रतिनिधियों का सवाल है कि संसद में विधानसभा में हो तो उसका ये है ताकि वो अपने समाज की बात करे, अपनी समाज के जो गरीब तबके है उसको ऊपर उठाने का बात करे, शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक आधार पर उसको संपन्न बनाए। लेकिन हो क्या रहा है? हम तो वही बात कर रहे हैं कि उस पर जो क्रीमी लेयर है 10% लोग हैं उन्होंने अपने समाज का ही शोषण किया है। आखिर अगर नहीं किया है 70 सालों में तो इसके लिए आरक्षण जिम्मेवार नहीं, आरक्षण ही जिम्मेदार है, वो शासक जिम्मेवार है, फिर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो उन्होंने लागू नहीं किया, उसके तरीके जिम्मेदार है ना, अब उसको तरीका बदलना चाहिए। जिम्मेदार क्यों नहीं जिम्मेदार है? नहीं है ना आरक्षण, आरक्षण पूर्ण रूप से राजनीतिक है, करने वाले आरक्षण अब संवैधानिक। सुनिए मैं जवाब देता हूँ सुन लीजिए, मैं स्वामी जी का अनुयायी हूँ। सुन लीजिए आपने कहा आपने अभी कहा ये